हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। कहते हैं ना कि जिस दिन टीआरपी आती है उस दिन काफ़ी शोकी खबर ऐसी आती है। कुछ अच्छी होती है लेकिन ज़्यादातर जो है बुरी खबर ज़्यादा आती है, जहाँ पे तुरंत कहा जाता है कि इट्स वेरी माइनस में शो है, तो शो का लास्ट शूट हो जाता है, शो को बीच में ही बंद कर दिया जाता है, शो का कुछ पता ही नहीं चलता। फिर फैंस सर्च करते हैं तो चैनल्स जो है अपनी शो की पोजीशन संभालने के लिए शो को कहता है कि इसका नया सीज़न आएगा। ऐसे बहुत से शो हैं जिनका हम वेट करते हैं कि नया सीज़न आएगा, क्योंकि स्टार बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं, ऐसा हम कई बार देखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दो शो की खबर ऐसी दे रही हूँ जहाँ पे आप भी कहेंगे क्या क्या बता दिया आपने। सबसे पहले मैं जी टीवी की बात करूंगी, आपके मैथ्री शो की। मैथ्री शो जो है जब से आया है तब से टीआरपी अच्छी नहीं दे रहा है। या ये कहें कि इस शो में लीप भी दिया गया, कास्ट भी चेंज की गई, शुरुआती में पॉपुलर कास्ट को भी लाया गया, लेकिन वो शो की टीआरपी नहीं दे पाई। ऐसे में शो को प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लॉस में था, लेकिन फिर भी उसे एक उम्मीद थी शो जो है चल जाएगा। आज उसका लास्ट शूट हो गया है, सेट पे काफ़ी सेलिब्रेशन हो रहा है और स्पेशली नागिन डांस हो रहा है, क्योंकि आप लास्ट के एपिसोड में नागिन ही देख रहे थे। अब बात आती है आपके प्यारे से भाग्य लक्ष्मी की। एकता कपूर का शो है जिसमें आप जो हैं ऋषि और लक्ष्मी की प्रेम कहानी शुरू से देख रहे हैं। आप इस शो में शुरू से क्या देख रहे हैं आप मुझे बताएंगे? यही देख रहे होंगे शादी, किडनैपिंग, शादी, किडनैपिंग। ऋषि और लक्ष्मी की शादी के अलावा किसी और की शादी घर में होती नहीं है। उन्हीं के लिए मंडप सजते हैं, उन्हीं के लिए सब दुल्हन बनते हैं, उन्हीं के लिए दूल्हे बनते हैं। और अब जो लक्ष्मी का प्रोमो आया है जहाँ पे सारी हदें पार करेगा ऋषि, क्योंकि उससे जो है अपने जो लक्ष्मी का जो भी फियोंसी है जो भी है उसी से बचाना है। कभी लक्ष्मी मलिष्का से बचाती है, फिर लक्ष्मी ही मलिष्का से शादी करवाती है, उधर जो है ऋषि कभी लक्ष्मी को बचाता है और फिर उसी की मांग में शादी की मांग भर देता है। तो ऐसे में फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज़गी जता रहे हैं। कुछ आगे कहानी को लेके चलो, नहीं तो ये शो आपका डूब जाएगा। तो ऐसे में शो ने 700 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा मस्ती नज़र होने वाली है सेट पे, क्योंकि हमेशा ही होता है जब कोई सेंचुरी पूरी करता है तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट बनता है। अभी सेलिब्रेट नहीं हुआ है लेकिन उम्मीदें हैं सेट पे काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन होना है। तो ऐसे में जो है इस हफ्ते भी जो है भाग्य लक्ष्मी स्लॉट किंग नहीं बना है, और या ये कहें तारक मेहता एक कॉमेडी शो वो जो है टॉप 5 में ही बना हुआ है, या फिर कहें कि वो स्लॉट किंग भी बना हुआ है। ऐसे में जो है सभी 8:30 पे अपने शो में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो अगर लक्ष्मी में इम्प्रूव नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा फिर कहाँ चला गया। ऐसे में इन दोनों शो में से आपको किसकी कहानी ज़्यादा अच्छी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।